दोस्तों बात करेंगे आज हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म के एक सुपर हिट गाने की। ये एक ऐसा गीत है जो कि हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरहिट गीतों में शामिल है। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राज कपूर साहब ने साल 1955 में एक फिल्म बनाई थी, एक फिल्म लेकर आए थे, नाम था श्री 420। इस फिल्म में राज कपूर साहब ने एक टपोरी टाइप का किरदार निभाया था और ये किरदार लोगों को बहुत पसंद आया था। खास करके फिल्म में राज कपूर और नरगिस की जो केमिस्ट्री थी वो देखकर तो लोगों की सिनेमा हॉल में सिनेमा के पर्दे पर आंखें जम सी गई थीं। लोग दीवाने से हो गए थे। फिल्म 420 का मधुर मेलेडियस संगीत था शंकर जयकिशन का। इस फिल्म के गाने लिखे थे शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब ने। इस फिल्म की कहानी लिखी थी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने। फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से बारिश के माहौल में एक गीत शूट करना था राज कपूर और नरगिस पर, तो इस सिचुएशन के हिसाब से शंकर जयकिशन जी ने इस गाने की जिम्मेदारी सौंपी शैलेंद्र पर और उनसे कहा कि इस पर एक गीत लिखकर दिखाओ। शैलेंद्र साहब ने एक बहुत ही कर्णप्रिय सॉन्ग लिख दिया, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम। फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से गाना एकदम फिट बैठ रहा था। बहुत लोगों को ये गीत पसंद आया। खुद राज कपूर जी ने भी इस गाने की तारीफ की, लेकिन वो चाहते थे कि इस गीत को मुकेश साहब ही गाएं। लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि मन्ना डे इन दिनों में काफ़ी अच्छा गा रहे हैं, तो क्यों ना उनसे ये गीत गवाया जाए। उनकी आवाज़ भी राज कपूर जी पर काफ़ी मैच करती थी। और फिर इस गीत को फाइनली मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज़ों में रिकॉर्ड करवा लिया गया। गाना बहुत अच्छा बन गया था, सबको ये गीत पसंद आ रहा था। फिर बारी आई इस गीत को पिक्चराइज करने की, और जब इस गाने को फिल्माया गया तो ये गाना और बेहतरीन बन गया था। जिस तरह से ये लोग बारिश के मौसम में, बारिश के माहौल में छाते के अंदर गीत गाते हैं, वो कुछ अलग ही था। सिनेमा पर्दे पर ऐसा लगा कि जैसे कुछ ये फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हो रहा है। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन इसका गीत और संगीत इतना बड़ा हिट रहा था कि लोग इस फिल्म के गीतों की वजह से फिल्म को देखने सिनेमा हॉल में जाने लगे। और जब ये गाना आता था, प्यार हुआ इकरार हुआ है, इस गाने को देखकर दर्शकों की आंखें नरगिस और राज कपूर पर जम जाया करती थी और इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत शानदार बन गई थी। उस छाते में दोनों का गीत गाना सबको बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे फिल्म की रफ्तार भी बढ़ने लगी। इस फिल्म के सारे ही गाने सुपर हिट साबित हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज कपूर और नरगिस के इस गाने को देखकर मार्केट में छातों की डिमांड बढ़ गई थी। उन दिनों के यंगस्टर छतरियां खरीदने लगे थे और इस वजह से छातों के दाम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। दुकानदारों की एकदम लॉटरी निकल आई थी। और ये भी कहा जाता है, और इसी गाने के बाद बॉलीवुड में आने वाली बाकी फिल्मों में छाते के पीछे का जो रोमांस था वो इसी गाने से स्टार्ट हुआ, जो कि बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया है। तो राज कपूर तो थे ही ट्रेंड सेटर, वो जो करते थे उसको फॉलो किया जाता था, इसीलिए उनको इतना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिंदी सिनेमा आज मानता है। इतने सालों के बाद भी ये गीत आज भी सुपरहिट बना हुआ है। अगर हम और गीतों की बात करें तो इन गीतों को मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, मन्ना डे साहब ने गाया है और ये सारे ही गाने सुपर हिट थे। इस फिल्म के इन कुछ गीतों की झलकियां सुन लेते हैं। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम। रमैया वस्ता वैया, रमैया वस्ता, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। फिल्म श्री 420 का बजट 60,000 का था
और इस फिल्म ने पहले दिन कमाए थे 9,000, दूसरे दिन कमाए थे 7,000 और संडे को इसने कमाए थे पूरे 13,000। इस तरह से फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती गई थी और टोटल इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 2,05,000 का हिंदुस्तान में। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कमाए थे 4,10,000 रुपये और एक सुपरहिट फिल्म बनकर सामने आई थी श्री 420 साल 1955 की। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।